हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में जिसमें आप इन्वेस्ट करते हो तो आपके लिए वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। एंड यहाँ पर मैं SIP एंड लमसम इन्वेस्टमेंट दोनों के बारे में बताऊँगा, आप दोनों तरीके से किस तरह से यहाँ पर प्रॉफिट उठा सकते हो। बात करते हैं सबसे पहले इस फंड की जिसका नाम हो जाता है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। अगर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो इसके रिटर्न्स वगैरह हैं इनकी हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इसकी NAV प्राइजिंग वगैरह की। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा NAV प्राइजिंग इसकी 70 रुपये है, लॉक इन पीरियड 0 है। एंड जो ये लॉन्च हुआ था ये 2014 को लॉन्च हुआ था। इसी के अलावा अगर फंड साइज की बात करते हैं तो 5,237 करोड़ है। एक्सपेंस रेशियो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 0.7%। तो ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिल जाती है। बेंचमार्क की बात करते हैं तो यहाँ पर S&P BSE मिड कैप फंड, यहाँ पर ये इंडेक्स फंड है इसका बेंचमार्क। अब बात करते हैं इसके रिटर्न की। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक साल में जो रिटर्न है वो 21% देखने को मिला है, कैटेगरी एवरेज 24% है। बट यहाँ पर कहानी नहीं रुकती है, 3 साल में आप देखोगे तो 37% का रिटर्न आपको देखने को मिलेगा, कैटेगरी एवरेज 29% है। तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म में इसने अपने कैटेगरी को बीट किया हुआ है। 5 साल में आप जैसे ही देखोगे तो यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा 18% कैटेगरी एवरेज है एंड इस फंड ने 24% के रिटर्न दिए हुए हैं। मतलब लॉन्ग टर्म में इसने अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया हुआ है एंड अपने कैटेगरी एवरेज को बीट किया है। अब हम बढ़ते हैं आगे एंड आगे बढ़ते हुए आपको क्या देखने को मिलेगा, जो इसके टैक्सेस हैं वो यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। अगर आप एक साल के अंदर अंदर रिडीम करोगे तो 15% बढ़ेगा, एक साल के बाद करते हो तो 10% बढ़ेगा, वो भी जो 1 लाख के गेन के ऊपर पड़ता है। इसके अलावा एग्जिट लोड की बात करते हैं तो 15 दिन के अंदर अंदर अगर आप जो है इसको रिडीम करते हो, सोल्ड करते हो तो 1% पड़ेगा एग्जिट लोड, अदरवाइज ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये चीज़ें भी अच्छी नज़र आती हैं। इसी के अलावा यहाँ पर अगर बात करते हैं इनके इन्वेस्टमेंट की, सेक्टर की, तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है, टेक्नोलॉजी में 25% है, बेसिक मटेरियल्स में 16% है, इंडस्ट्रियल्स में 15% है, फाइनेंशियल सर्विस में 15% है। तो ये इस तरह से इनका इन्वेस्टमेंट देखने को मिल जाता है। इसी के अलावा जो इनका डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी आप देख सकते हो, इक्विटी में इन्वेस्टमेंट 95% है, 4% लगभग 5% ऑलमोस्ट जो है इनके पास कैश है, जो कि सबसे अच्छी बात देखने को मिल जाती है। जब किसी के पास कैश इस टाइप से अवेलेबल होता है ना तो उनको अपना फंड जो है कहीं से रिडीम करने की ज़रूरत नहीं होती है, ये अपने कैश फंड से आराम से उसको विड्रॉ करके दे सकते हैं। अब बात करते हैं होल्डिंग्स की। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जियो फाइनेंशियल में 9% की होल्डिंग है, जोमेटो में 8% की है, KPIT टेक्नोलॉजीज में 7% है, दीपक नाइट्राइट में 6% है। तो ये टॉप होल्डिंग्स हो जाती हैं, काफ़ी अच्छी यहाँ पर इनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी नज़र आती है। इसी के अलावा अगर आप आगे बढ़ते हो तो यहाँ पर फंड मैनेजर की सारी डिटेल दी होती हैं, जो कि आप देख सकते हो इनका एक्सपीरियंस एंड इनके नाम वगैरह ये सारे के सारे आपको यहाँ पर नज़र आ जाते हैं। अब बात करते हैं इसमें इन्वेस्टमेंट करना कितना आपके लिए सही होगा एंड आप किस हिसाब से इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको प्रॉफिट मिलेगा, तो हम ये भी देख लेते हैं। आप सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर लमसम इन्वेस्टमेंट की। अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करते हो, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, 30,000 रुपये का लमसम इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हो, ठीक है, एंड 24% का रिटर्न चल रहा है एंड अगर आप 30 साल के लिए इन्वेस्ट करोगे तो यहाँ पर आपको बहुत ही तगड़े रिटर्न देखने को मिल जाएंगे। आपने 30,000 रुपये ही इन्वेस्ट करके रखे, जो आपको रिटर्न मिला वो 1,90,00,000 हो गया, टोटल रिटर्न आपका यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगा। बट अगर आप SIP करते हो एंड आप लमसम इन्वेस्टमेंट एक साथ नहीं कर सकते हो तो आपको क्या देखने को मिलेगा, आप 3,000 रुपये की SIP शुरू करते हो, 24% का रिटर्न है एंड 30 साल के लिए ही इन्वेस्टमेंट करते हो, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा आप 10,00,000 रुपये इन्वेस्ट करोगे, 18 करोड़ का आपको जो है रिटर्न देखने को मिलेगा, टोटल वैल्यू 19 करोड़ हो जाएगी। तो ये चीज़ें यहाँ पर आपको नज़र आती हैं जो कि काफ़ी अच्छी हैं। आप लमसम इन्वेस्टमेंट करते हो तब भी आपके लिए प्रॉफिटेबल है, SIP इन्वेस्टमेंट करते हो तब भी आपके लिए प्रॉफिटेबल है। एंड अगर बात करते हैं गूगल की एंड अगर आप फैक्ट जानोगे तो जो भी इन्वेस्टमेंट होता है अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करते हो वन टाइम में जब मार्केट डाउन होती है तो वो सबसे अच्छा तरीका है, SIP से बेहतर है। एंड आप अगर नॉर्मल में लमसम इन्वेस्टमेंट करते हो तो ये आपके लिए और भी ज़्यादा प्रॉफिटेबल इसलिए हो जाता है कि आपको हर महीने टेंशन नहीं होती कि हाँ मुझे SIP के लिए पैसा जमा करना है, आप एक बार पैसा जमा करके टेंशन फ्री हो जाते हो। तो ये फैक्ट है गूगल का, आप आराम से चेकआउट कर सकते हो एंड किसी भी फंड में इन्वेस्ट करने से पहले आप अपनी एनालिसिस जरूर करें। उम्मीद करूँगा मेरा यह वीडियो आपको पसंद आएगा। मेरा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।